अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ था और उसके बाद मैंने अपनी कैंसर जर्नी की तकरीबन 7 वीडियो बना चुका हूँ। एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ आफ्टर अबव 1 मंथ हो गया मेरा कैंसर ट्रीटमेंट को फाइनलाइज हुए हुए। 9 दिसंबर को मेरा लास्ट ल्यूमो रेडिएशन हुआ। उसके बाद फिर मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप अपना फॉलोअप चेकअप कराएगा। मेरा फॉलोअप चेकअप पूरे मलेशिया गया हुआ था, वहाँ मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर दातू इब्राहिम हैं वहाँ पे, 3 फाउंडर हैं कैंसर हॉस्पिटल विकेन हॉस्पिटल के। उन्होंने मुझे फिर ये चेकअप किया, उन्होंने पूरा गले का चेकअप किया, फिजिकली उन्होंने माउथ का मेरा चेकअप किया। सारा उन्होंने चेकअप करने के बाद उन्होंने बोला कि एक्सेलेंट रिजल्ट है। खैर, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, मेरी माँ की दुआएँ, आप सबकी दुआएँ, जितने लोग देखने वाले हैं और इस वीडियो के थ्रू जो मैं ये चाहता हूँ, मेरा एक वैसे लोगों को जिनको अल्लाह ना करे कैंसर है या कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, ज़रा सा भी कुछ आ जाए तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जाके ज़रूर अपने जाके डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि छोटी सी चीज़ बढ़ जाती है। मैंने वक्त से पहले इसको ये समझे मैंने 2nd और 3rd स्टेज में इसको पकड़ लिया था, तो अल्लाह का शुक्र है मैं बाहर गया। पाकिस्तान में तो मुझे बोला था कि मेरी ज़बान कटेगी, मेरा तालू कटेगा, मेरी गर्दन से लिम्फ नोड कटेंगे और ज़ाहिर है आपको पता है उसके बाद फिर क्या कंडीशन होती है। लेकिन मैंने जब सिंगापुर और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भेजा उसको, तो उन्होंने मुझे बोला मैं रिसीव रेडिएशन और कीमो में। अब जो सबसे मेन चीज़ जो आफ्टर जो मुझे इस वीडियो के अंदर सबसे मेन पार्ट है वो ये कि मुझे आफ्टर ट्रीटमेंट क्या हो, मुझे साइड इफेक्ट है। आफ्टर ट्रीटमेंट मुझे साइड इफेक्ट है कि पहले तो ज़ाहिर ट्रीटमेंट दर्द में 3-4 हफ्ते के बाद उसे खाया नहीं जाता था, हर चीज़ ग्राइंड करके पीता था। अब भी स्टिल मैं मिर्च नहीं खा सकता, हरी लाल मिर्च और हरी मिर्च नहीं खा सकता, काली मिर्च खा लेता हूँ और मैं सॉफ्ट फूड खा रहा हूँ, ठीक है। और मैं जब खाता हूँ तो मेरा मेम्ब्रेन जो अंदर का मेम्ब्रेन है वो बहुत कमज़ोर हो गया, तो मुझे अंदर पानी के छाले हो जाते हैं उसके अंदर, जिससे मुझे ज़ाहिर इरिटेशन भी होती है और मैं कुछ चीज़ें से मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत बुरी हुई, जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ हुई, वो भी अलहमदिल्ला सेट हो गई। मेरा वेट बहुत लॉस हुआ 10 से 12 किलो, जो कि 5 किलो दोबारा मेरा पुट ऑन हो गया है। तो अब इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज भी शुरू करूँगा, इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान पहुँच के सब कोलंबो में हूँ, मेरा यहाँ पर ट्रांजिट स्टे था 1 दिन का। अब मैं वापस पाकिस्तान इंशाल्लाह आज पहुँच जाऊँगा और उसके बाद मैं अपनी रूटीन लाइफ पर आऊँगा। लेकिन डॉक्टर ने जैसे बोला है वो भी कि मुझे हमेशा ये सिगरेट बिल्कुल भी हाथ में लगा नहीं, मैं कभी कभार पीता था तो सिगरेट नहीं पीनी, अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करना कभी, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो बस मुझे आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ख्याल रखें, परेशान ना हो, अगर कोई ऐसी बीमारी हो मेरी वीडियो देखें और इसके अंदर कोई भी मेरी हेल्प चाहिए मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको जैसे दूसरे बहुत से लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मैं उनको कॉन्टैक्ट करा रहा हूँ वहाँ पर जो कैंसर हॉस्पिटल है, इसी तरीके से उन लोगों से करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआ करते रहें, मेरे लिए भी, अपने लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी, और इंशाल्लाह हम दोबारा मैं अपने आप को जब रिकवर मजीद करूँगा तो मैं एक वीडियो ऑर्डर करूँगा।